Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इसके साथ लगातार गठबंधन को लेकर चर्चा में आजकल ओम प्रकाश राजभर रह रहे हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 2024 में ओम प्रकाश राजभर जो हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इसी बीच जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधते हैं, तो कभी किसी को शूटर बताते हैं तो कभी माफियाओं का संरक्षक ओम प्रकाश राजभर को बता देते हैं। आपको पता होगा कि किस तरीके से घोसी के पूर्व सांसद जो हैं वो ओम प्रकाश राजभर हैं उनको माफियाओं का सरगना बता रहे थे, तो वहीं अनिल राजभर ने भी अब जो है माफियाओं का संरक्षक जो है ओम प्रकाश राजभर को बता दिया है। पूरा मामला क्या है, चलिए जानने का प्रयास करते हैं। दरअसल बात करते हैं तो हरदोई पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने ओम प्रकाश राजभर पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ओपी राजभर को माफियाओं का संरक्षक बताया है और इशारों ही इशारों में माफियाओं को पोषित पल्लवित करने वाला बताया है। अखिलेश को उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि जन भावनाओं का वह आदर करना शुरू करें। श्रम सेवा योजना एवं समन्वय विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने अखिलेश यादव के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बयान को लेकर कहा कि अखिलेश यादव ने विरोध का फैशन बना लिया है। उन्होंने कहा है कि उनके एक्सप्रेसवे में तो गाड़ी चली गई थी। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड देश का पिछड़ा इलाका माना जाता है, आज यूपी सरकार ने विकसित का काम करने का किया है और लगातार काम चल रहा है। विपक्ष करता है नकारात्मक बात, उन्होंने कहा कि विपक्ष की नकारात्मक बात करने की आदत बन गई है, सकारात्मक बात नहीं करते हैं। अखिलेश के 10 करोड़ के बयान पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जनभावनाओं का आदर करें। ओम प्रकाश राजभर को बताया माफियाओं का संरक्षक, उन्होंने ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधते हुए कहा कि माफियाओं को, गुंडों को पल्लवित और पोषित करने वाले लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं। ओम प्रकाश राजभर को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी के बेटे को विधायक बना दिया, असदुद्दीन ओवैसी की भाजपा नेता के साथ फोटो आने पर कांग्रेस के बयान पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस रिश्तों को अपने तरीकों से देखती है लेकिन जनता भारतीय जनता पार्टी को देख रही है। तो कुछ इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साध रहे हैं और यहां तक कि माफियाओं का संरक्षक तक बता रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2024 में यह गठबंधन होगा कि नहीं होगा। बाकी इस मामले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जिस तरीके से अनिल राजभर ने बयान दिया है उस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।